Hey everyone, I'm numerologist Nazuk Puri and आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है किसी भी मंथ में। So guys, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि टॉलरेंस पावर को इंक्रीज करना है और जल्दी इरिटेट नहीं होना है और कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है बेफालतू का। यू हैव द हैबिट टू एक्सेप्ट चैलेंजेस टू जस्ट शो दैट यू नो यू आर राइट और फॉर योर ईगो। इस चीज को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बढ़ाइए, आइसोलेट नहीं होना है, अकेले नहीं रहना है। पास्ट को कुरेदना बंद कीजिए क्योंकि आपकी आदत है कि पास्ट को कुरेदते हैं, पुरानी बातें लेके आते हैं। अरे पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए और आगे बढ़िए। अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार से अपने साथ रखें एंड हो सके तो अफेयर्स, लव अफेयर्स से थोड़ा सा दूर रहें, अपने भी और दूसरों के भी, दूसरों में भी इन्वॉल्व होने से बचें एंड Try not to fall in love if you are married or पास एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनकी एडवाइस लें क्योंकि उनके एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे एज कम्पेयर टू अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे। एंड अगर आप कोई ड्रग्स लेते हो या इंटॉक्सिकेंट्स लेते हो तो उसको अवॉइड कीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है एंड आपको एयर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, कोल्ड कफ आपको बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा कैन फूड, ऑयल और स्पाइसी फूड को भी अवॉइड कीजिएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्टमक। एंड सीरियसनेस का मास्क हटाइए और एक स्माइल रखिए। स्माइल बहुत घावों का इलाज है तो थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए और रिवेंजफुल नेचर अपनी दूर भगाइए। बदले की भावना जो आप रखते हैं अपने मन में किसी के भी लिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हैं और अपने आइडियाज को क्लियरली दूसरों के आगे रखें। अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, उनके साथ घूमें फिरें पर उनसे हेल्प कम लें क्योंकि जब भी आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से हेल्प के लिए आगे आते हो, मांगते हो तो आपको बहुत थोड़ी सी हेल्प उनसे मिलती है। और ये ऐसा नहीं है कि वो गलत लोग हैं बट आपके नंबर्स ऐसे हैं, कोई भी काम अपनी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड नहीं करना है जस्ट टू मेक मनी, पैसे बनाने के चक्कर में कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये 8, 17 या 26 तारीख के लोग अपने दिमाग में डाल लें क्योंकि वो आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल नहीं होगा। कर्मा बहुत स्ट्रांग है, आपको सफर करना ही पड़ेगा, सो इस चीज का बिल्कुल ध्यान। अगर ट्रेवल कभी करना है तो ओकेजनली कीजिए, ज्यादा गेड़ी गुड़ी मत मारिए, नहीं आपके लिए ठीक है। और सबसे जरूरी बात, आपके मुंह से कभी भी र्यूमर्स ना निकले, किसी के बारे में भी कोई गलत चीज या झूठी चीज नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि आपने तो एक बार ही निकाल दी पर आपकी निकाली हुई बातें उस इंसान के लिए बहुत हानिकारक होती है और वो जो एक छोटी सी बात होती है बहुत बड़ी अफवाह बन जाती है और लोग उसे सच मानते हैं। सो प्लीज 8, 17 और 26 तारीख को पैदा हुए लोग इन चीजों का ध्यान रखें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है दैट यू नीड टू वर्क फॉर योर ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्लीज काम करना शुरू करें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके नंबर के लिए क्योंकि 8 नंबर है शनि का, तो शनि के लिए आप जितनी पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं उतना कीजिए सो दैट शनि महाराज जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं एंड भूलिए मत ये वीडियो उन लोगों से शेयर करने के लिए जिनका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है। और इसी के साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं।